आज पुलिस थाना ब्रह्मपुरी जयपुर में वर्ष 2019 के प्रकरण में वांछित चल रहे दो इनामी व हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। घटना के वक्त से फरार चल रहे थे, जिसकी तलाश हेतु सुमित गुप्ता अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर व ब्रिजेंद्र सिंह भाटी ACP आमेर जयपुर उत्तर के निर्देशन में थाना अधिकारी भारत सिंह के नेतृत्व में थाना ब्रह्मपुरी से एक विशेष टीम श्री घनश्याम सिंह राठौड़ SI हेड कांस्टेबल बद्री नारायण की गठित की गई। ये घटना एक्चुअली में अक्टूबर 2019 की है। 5 अक्टूबर को ये जो दो मुख्य आरोपी है इंदिरा सैनी व बंटी शर्मा, इन दोनों ने 5 अन्य मुलजिमों को साथ लेके एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घर में घुसकर मारपीट की और उसकी पुत्र वधू के साथ छेड़खानी करी। उस संबंध में 5 मुलजिमों को उसी के 2-3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब से ये दो मुख्य आरोपी जो इंदिरा सैनी वह बंटी शर्मा थे, ये फरार हो गए थे। ये निवासी रूपवोस थे और जयपुर से भी बाहर थे। सर, इनको कहाँ से पकड़ा आपने? इनको कल सुबह जयसिंहपुरा खोर में ही हमारी जो टीम लगी हुई थी, उसमें बद्री नारायण जी हेड कांस्टेबल, तिलोक जी हेड कांस्टेबल व सीताराम कांस्टेबल, इन तीनों ने पूरी मेहनत करके इनको लोकेट किया और श्रीमान DCP साहब डॉक्टर राजीव प्रचार साहब के निर्देश में, उनके निर्देश की पालना में SHO साहब ने और सब ने मिलकर पूरी टीम ने मिलकर इनको कल जयसिंहपुरा कोर्ट से गिरफ्तार। फरार मुजरिम जिसको ब्रह्मपुरी थाने में गिरफ्तार किया इंदिराज वे उसका साथी, दोनों को ब्रह्मपुरी थाने ने गिरफ्तार किया। इंचार्ज वगैरह स्पेशल टीम ने उनको दबी देके जयसिंहपुरा कोर्ट से पकड़ा।